चलो ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ठीक है, देखिए कल हम लोग क्या क्या कर लिए थे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे स्टर्न गरलाक एक्सपेरिमेंट, है ना। क्या पढ़ रहे थे बाबू? स्टर्न गरलाक एक्सपेरिमेंट। क्या पढ़ रहे थे बेटा? स्टर्न गरलाक एक्सपेरिमेंट, स्टर्न गरलाक एक्सपेरिमेंट। स्टर्न गरलाक एक्सपेरिमेंट, ठीक है। चलिए स्टर्न गरलाक एक्सपेरिमेंट क्या पढ़ा था हम लोगों ने, देखा था कि जब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमारा होता है तो एटम अपने पाथ से क्या कर जाता है बेटा? डेविएट कर जाता है, ठीक है ना। और उसी डेविएशन को हम लोग क्या कर रहे थे? खोज रहे थे, ठीक है। चलिए ये देखते हैं, हम चलिए ये देखते हैं, लिखिए इसमें लिखिए। तो एफ एक्स बराबर हम लोगों ने कितना निकाल लिया, जो फोर्स एटम पे लग रहा था वो कितना निकाला था बेटा? एफ एक्स बराबर निकाला था पी डी बी बाई डी एक्स, पी डी बी बाई डी एक्स एल कॉस थीटा, पी डी बी बाई डी एक्स एल कॉस थीटा। ये हम लोगों ने निकाला था फोर्स, है कि नहीं? यही फोर्स कल आ गया था, ठीक है। चलिए अब ये बताइए ये फोर्स क्यों आया था? क्योंकि फील्ड कैसी थी? नॉन यूनिफॉर्म थी। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? अगर यूनिफॉर्म फील्ड होती तो फोर्स आता क्या? नहीं आता, नेट फोर्स जीरो हो जाता। कल मैं समझाया था ये चीज़ कि अगर फील्ड यूनिफॉर्म होती तो नेट फोर्स क्या हो जाता? जीरो, है ना। जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट मिलता है वो किस वजह से मिलता है? इस फैक्टर की वजह से। और ये फैक्टर क्यों आता है? क्योंकि फील्ड हमारी कैसी है बाबू? नॉन यूनिफॉर्म। बात समझ आ रहा है? चलिए अब आइए आगे बढ़ते हैं इसी में। चलिए आगे लिखिए, फिर आगे लिखिए, जल्दी लिखिए लिखिए लिखिए। इफ इसको इक्वेशन वन बना दीजिएगा और लिखिए इफ इफ ए एक्स इफ ए एक्स इफ ए एक्स बी द एक्सेलरेशन ऑफ एटम, इफ ए एक्स बी द एक्सेलरेशन ऑफ एटम। फोर्स निकाल लिया ना, अब एक्सेलरेशन निकालते हैं। इफ ए एक्स बी द एक्सेलरेशन ऑफ एटम, एक्सेलरेशन ऑफ एटम। कल घर पे जाके पढ़े थे आप लोग इसको ना? कोई डाउट नहीं है ना? बताइए, पढ़े ही नहीं होंगे? पढ़े थे? नहीं पढ़े थे? नहीं पढ़े थे ना, ठीक बेटा। इफ ए एक्स बी द एक्सेलरेशन ऑफ एटम देन ए एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा बताइए? ए एक्स हो जाएगा आपका एफ एक्स बाई एम के। ए एक्स किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? एफ एक्स बाई एम के। एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया बताइए? तब एक्स इज इक्वल टू आ गया पी बाई एम डी बी बाई डी एक्स एल कॉस थीटा। इक्वेशन कितना बना देंगे बताइए इसको? टू। ठीक है, लिखिए हियर एम इज इक्वल टू, हियर एम इज इक्वल टू मास ऑफ एटम, हियर एम इज इक्वल टू मास ऑफ एटम, हियर एम इज इक्वल टू मास ऑफ एटम। ठीक है बेटा, चल अब लिखिए, चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, लिखिए फिर सिंस इनिशियल वेलोसिटी, सिंस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द एटम इज जीरो, सिंस इनिशियल वेलोसिटी of the atom is zero, since initial velocity of the atom is zero, then by s is equal to ut plus half a t square, then by s is equal to ut plus half a t square। ठीक है, चलिए तो deviation को अब u तो जीरो है आपका, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, तो बाबू यहाँ ये वाला टर्म क्या हो जाएगा हमारा? जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। एस की जगह पर हम डी एक्स कर दे रहे हैं, है ना, डी एक्स कर दे रहे हैं, और ये इतना कितना ले रहे हैं? हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। लिख सकते हैं ऐसे? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है भैया। चलिए आइए अब ये टी की वैल्यू निकाल देते हैं, टी की वैल्यू रख देते हैं। ए एक्स तो हमको पता ही है इक्वेशन नंबर टू से, टी की वैल्यू रख देते हैं। लिखिए टी क्या होगा, टी क्या होगा, समय क्या होता है? दूरी बटे चाल नहीं ना होता भैया। लिखे लिखे
if L be the length of the path, traversed by atom with velocity v, then t is equal to किसके इक्वल हो जाएगा बताओ बेटा L by v के, t is equal to किसके इक्वल हो जाएगा L by v के, ठीक है ना। देखिए ले दे करके आप एक चीज समझिए पहले, t से बहुत मतलब हमको नहीं है, ठीक है ना, हमको बहुत मतलब नहीं, हमको डिफ्लेक्शन को किस पे दिखा देना है, डिफ्लेक्शन को दिखाना है कि वो किस पे डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक मोमेंट पे, म्यू पे। अब म्यू क्या होता है अभी आपको नहीं पता, अभी हम आपको बताएंगे म्यू क्या होता है, हालांकि आप जानते हैं म्यू क्या होता है, अभी हम आपको कंपेयर करके दिखाएंगे। हमने आपसे कल क्या कहा था कि जब आप मैग्नेटिक सिस्टम में कंफ्यूज हो जाते हैं तो इलेक्ट्रिक सिस्टम से बाबू क्या करना चाहिए, कंपेयर करना चाहिए, है ना। तो हम लोग अभी कंपेयर करके देखेंगे, ठीक है ना, कंपेयर करके अभी देखेंगे तो आपको डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो क्या हो गया बेटा बताओ, दिस इंप्लाइज दैट dx बराबर किसके इक्वल आ गया बताइए, dx बराबर आपका आ गया 1/2, और ax की वैल्यू कितनी है, p/m है ना, db/dx, और क्या बताओ l cos थीटा, और t की जगह पे कितना लिखते हैं बेटा हम, l/v का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या ऐसे, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आइए कुछ थोड़ा सा हम इस टर्म को, थोड़ा सा हम इस एक्सप्रेशन को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा मॉडिफाई क्या, थोड़ा रीअरेंज करते हैं, ठीक है। कैसे रीअरेंज कर रहे हैं आइए आपको हम दिखाते हैं, देखिए कैसे रीअरेंज कर रहे हैं आपको हम दिखाते हैं, देखिए देखिए dx इज इक्वल टू, हम ऐसे लिख रहे हैं, आप देखिएगा सही है कि नहीं, p इंटू एल अपॉन 2m, ठीक है, db/dx इंटू db/dx l/v का होल स्क्वायर cos थीटा, ऐसे लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, देख लीजिए किया कुछ भी नहीं, बस इस l को इस p के साथ कर दिया, बाकी सारे टर्म देखे आइडेंटिटी हैं, ठीक है ना, और cos थीटा को उधर अलग साइड में कर दिया, ठीक है भैया। छापी यहाँ तक छापी, फिर बताएं, जल्दी छापी यहाँ तक, नेक्स्ट टर्म पे मान के चलिए चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, ये है ना, नेक्स्ट टर्म पे चैप्टर खत्म हो जाएगा, संडे को मैम से पूछ करके असाइनमेंट बनवा के दे देंगे आप लोग को, ठीक है, असाइनमेंट दे देंगे, उसको कंप्लीट करिएगा घर पे जा करके। अनसॉल्व के जो अलग से क्वेश्चन थे वो हम नहीं डालेंगे असाइनमेंट में, जो रेगुलर क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले वही डालेंगे, ठीक है ना, अनसॉल्व वाले क्वेश्चन हमें डाल, क्योंकि पढ़ाया है नहीं अभी उसमें डालेंगे, उसके लिए 4-5 पेज छोड़ दीजिएगा, उसको अलग से बताएंगे हम, संडे वनडे में एक्स्ट्रा क्लास लेकर के बताएंगे हम, ठीक है। चल आइए देखते हैं, बिठा दे बाबू, ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट dx इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा बताइए, अब देखिए एक चीज आप ये बताइए, मान चार्ज का सिस्टम हमारे पास है, ठीक है, तो मान लीजिए कि एक प्लस क्यू चार्ज है ना, और एक माइनस क्यू चार्ज है, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, माइनस क्यू चार्ज है, और ये एक दूसरे से यल डिस्टेंस पर है, किस डिस्टेंस पर है बाबू, यल डिस्टेंस पर है, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, डाइपोल, ठीक है ना, डाइपोल, और डाइपोल के लिए डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट कैसे लिखते हैं आप क्या करते हैं, q
क्यू को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, एल से, और इसी को आप क्या कहते हैं, ये क्या हमारा डायपोल है, डायपोल मोमेंट है, ये क्या हमारा डायपोल मोमेंट है, ठीक है ना। अब देखिए एक क्वांटिटी आपको यहाँ पर भी मिल रही है, पी, हमने आपको सिखाया था कल कि पी किसकी जगह काम करता है, चार्ज की जगह पे, ठीक है ना, और डिस्टेंस तो आपका वही है। तो जैसे यहाँ पे डायपोल मोमेंट होता था वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट, क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट। तो पी डॉट एल को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं बेटा, म्यू से, किससे रिप्लेस कर सकते हैं, म्यू से, और म्यू अपॉन किसकी हो गया ये 2mk dB by dx, एकदम कंपेयर, जब आप कंपेयर करके पढ़ेंगे ना कभी भूलेगा ही नहीं, dB by dx L by V का होल स्क्वायर cos थीटा, ठीक है बेटा। और सिंस यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, सिंस म्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है बताइए, P इंटू एल के, और P इंटू एल क्या है आपका, मैग्नेटिक मोमेंट, P इंटू एल क्या है बताइए, मैग्नेटिक, ठीक है, छाप दीजिए, छाप दीजिए। क्लियर भैया, कोई डाउट नहीं है ना, चलिए। इसको डब्बे में भी कर दीजिएगा और इक्वेशन नंबर कितना कुछ बने होने का, इक्वेशन यार जी, इक्वेशन क्या बनाएंगे, आसान है भैया, आसान है, चल। अब देखिए आ गया भाई, डीएस किस पे डिपेंड कर रहा है, मास तो कांस्टेंट है आपका, फील्ड आपने अप्लाई कर दिया, खत्म हो गई बात, एल बाई वी भी टोटल लेंथ आप ऑपरेटर्स का सेट किए हुए हैं, एटम जिस वेलोसिटी से निकल रहा है वो भी क्या है, फिक्स है, डायपोल आपने रखा है तो कॉस थीटा भी क्या हो गया, फिक्स हो गया, पर डीएक्स ले दे के किस पे डिपेंड करेगा बताइए, म्यू पे, किस पे डिपेंड करेगा, बात समझ में आ रहा ना, लिखिए लिखिए, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, याद हो जाएगा ना भैया, दिक्कत नहीं होगी ना, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर डेविएशन ऑफ एटम और मैग्नेट, फॉर डेविएशन ऑफ एटम और मैग्नेट फ्रॉम देयर रेक्टिलीनियर पाथ, रेक्टिलीनियर का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, कल हमने बताया था रेक्टिलीनियर पाथ, ठीक है, फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, फ्रॉम अबव एक्सप्रेशन वी हैव क्या मिलेगा बताइए, अबव एक्सप्रेशन से क्या मिलेगा बाबू, देखो इधर क्या मिलेगा बताइए, हमको मिलेगा dx किसके प्रोपोर्शनल होता है बताइए, dx किसके प्रोपोर्शनल होता है बेटा, छाप दीजिए और लिखिए, दैट इज deviation from x axis is directly proportional to magnetic moment, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है भैया, चलिए फिर लिखिए आगे इसी में, it means that deviation is only due to magnetic moment of atom
और मैग्नेट दस वी कैन से दैट Stern-Gerlach experiment is only for those magnets or atom which has permanent magnetic moment. ठीक है भैया, चलिए मिटा दे भैया, चल ठीक बाबू, परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है चलिए। तो इसी के साथ ये पूरा का पूरा टॉपिक बाबू क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है चलिए, घर पे जाकर के पूरा फिर से रिवाइज कर डालिएगा। ठीक है, खत्म हो गया ये। और इसी के साथ जो बड़े बड़े टॉपिक थे, है ना, चार टॉपिक बड़ा बड़ा था, वो मान के चलिए खत्म हो गया। मतलब 90-95% सिलेबस आपका खत्म हो गया इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है ना, इस चैप्टर रिलेटेड, पूरा नहीं, इस चैप्टर से रिलेटेड 90-95% सिलेबस क्या हो गया, खत्म हो गया। पूरा खत्म हो जाता तब तो फिर भाग जाएंगे आप लोग, पैसे नहीं देंगे अगले महीने। ठीक है चलिए, नेक्स्ट टर्न पे खत्म हो जाएगा पूरा, ऐसा मुझे लग रहा है, पता नहीं क्या हो। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, वेव पैकेट, छोटी सी एक हेडिंग डाल दीजिए, वेव पैकेट। नेक्स्ट टर्न में बताएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव, और वही आखिरी भी होता है, उसके बाद तो नहीं कुछ छूटा होता है। छोटे छोटे टॉपिक इतने होते हैं ना कि दिमाग में आता नहीं कि यार ये भी पढ़ाना है, वेव पैकेट छूट जाता है कोई ना कोई, मतलब छूट जाता है इन द सेंस कि दिमाग में याद नहीं आता कि ये भी पढ़ाना है, वेव पैकेट। ठीक है ना, लिखिए इसमें, लिखिए द एनर्जी कमिंग फ्रॉम, ये छोटा टॉपिक है, द एनर्जी कमिंग फ्रॉम ब्लैक बॉडी रेडिएशन और सन इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट such energy packet is called photon or quanta or wave packet। ठीक है बाबू, तो क्या लिखा आपने बताइए, आपने लिखा कि सन से जो एनर्जी निकलती है पैकेट के फॉर्म में निकलती है, उस पैकेट को हम क्या कहते हैं, वेव पैकेट कहते हैं। ठीक है ना, और उसका क्या नाम होता है, फोटोन नाम होता है। एक और देखिए वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे, जान लीजिए इसके बारे में, एक और वर्ड हुआ है क्वांटा। समझते हैं आप क्या होता है क्वांटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटा। क्वांटा मतलब क्या होता है बताइए, नाम तो सुना होगा चौदह जी। क्वांटा मतलब होता है स्मॉलेस्ट यूनिट। जैसे सन से अगर रेज हमारी निकल रही है मान लीजिए, ठीक है ना, तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो उन रेज की होगी उसी को हम क्या कहेंगे, क्वांटा कहेंगे। ठीक है ना, मतलब सन से जो रेज निकल रही है वो मिनिमम किस फॉर्म में निकलेगी, एक फोटोन के फॉर्म में। ठीक है ना, फोटोन से मिलकर के क्या होती है, बनी होती है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या कहते हैं बेटा, क्वांटा कहते हैं। ठीक है ना, तो सन से जो रेज निकल रही है या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उनका क्वांटा क्या होता है, उनका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, फोटोन होता है। क्या होता है, फोटोन। जैसे हमारी बॉडी का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, सेल है, सेल से मिलकर के हम बने हुए हैं, तो हमारे लिए क्वांटा क्या कहलाएगा, सेल कहलाएगा। उससे छोटा कुछ है, उससे छोटा कुछ नहीं है, सेल से मिलकर के बने हुए हैं, हमारी बॉडी सेल से कोशिका से मिलकर के बनी हुई है, तो हमारी बॉडी के लिए कोशिका क्या है, क्वांटा है। ठीक है, उसी तरीके से जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है उससे जो एनर्जी खूब सारी निकलती है जिससे पूरी दुनिया चलती है, उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी, क्वांटा। और स्मॉलेस्ट यूनिट होती क्या है, फोटोन होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में। हमारे केस में सेल है,
ठीक है ना, और जो साउंड वेव्स है उनके लिए फोटोन को क्या कहते हैं, उनके लिए क्वांटा को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैट, इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, इलेक्ट्रोमैटिक वेव के लिए क्वांटा हमारा क्या होता है बाबू, कहीं इसको अलग से नोट कर लीजिएगा, इलेक्ट्रोमैटिक वेव के लिए क्वांटा हमारा क्या होता है, फोटोन होता है, क्या होता है, फोटोन, फोटोन, ठीक है ना। साउंड वेव के लिए क्या होगा, साउंड वेव के लिए क्वांटा को क्या कहेंगे हम बताइए, क्या कहेंगे बताओ बाबू, साउंड वेव के लिए क्वांटा क्या कहेंगे हम बताइए, जानते हैं, आपको भी सुना आपने वर्ड, साउंड वेव के लिए क्वांटा को हम कहते हैं फोनॉन, क्या कहते हैं, फोनॉन, याद कर लीजिए कहीं, साउंड वेव के लिए क्या होता है, फोनॉन, कहीं रफ में लिख लीजिएगा, फोनॉन, क्या कहते हैं बाबू, फोनॉन, ठीक है ना। तो अगर आपसे फोनॉन है, फोटोन नहीं है, अंतर है, फोनॉन फोटोन में अंतर है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वांटा क्या होता है, फोटोन होता है, साउंड वेव का क्वांटा क्या होता है, फोनॉन होता है, ठीक है ना, फोनॉन कहते हैं इसको, ठीक है ना। चल बिटा दे भैया, चल हो गया भैया, बिटा दे, चले देखिए, चल अब आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, लिखिए, चलिए आगे, आगे बढ़िए, इसमें लिखिए, लिखिए, एनर्जी ऑफ पैराग्राफ चेंज करके, एनर्जी ऑफ, एनर्जी ऑफ वेव पैकेट, पैराग्राफ चेंज करके इसमें लिखिए, एनर्जी ऑफ वेव पैकेट, एनर्जी ऑफ वेव पैकेट, एनर्जी ऑफ वेव पैकेट, एनर्जी ऑफ वेव पैकेट, वेव पैकेट की एनर्जी, एनर्जी ऑफ वेव पैकेट, एनर्जी ऑफ वेव पैकेट, एनर्जी ऑफ वेव पैकेट क्या क्या होता बताइए, एनर्जी ऑफ वेव पैकेट क्या होता बताइए, क्या होता बताइए, एच, क्या होता है, एच, ठीक है ना। वेयर एच इज इक्वल टू एच को क्या कहते हैं बाबू हम, प्लैंक्स कांस्टेंट, एच हमारा क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है ना। और न्यू क्या होता है बेटा, न्यू क्या होता है बताइए, फ्रीक्वेंसी, क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, चलो छाप दीजिए, फिर लिखिए लीनियर मोमेंटम ऑफ, लीनियर मोमेंटम ऑफ, लीनियर मोमेंटम ऑफ, लीनियर मोमेंटम ऑफ वेव पैकेट, लीनियर मोमेंटम ऑफ वेव पैकेट, लीनियर मोमेंटम ऑफ वेव पैकेट, लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा बेटा वेव पैकेट का, या फोटोन का लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा बताइए, P इज इक्वल टू किसके इक्वल होता बताइए, E बाई सी के ना, याद है आपको, अभी हम लोग यूज़ किए थे, P इज इक्वल टू E बाई सी, किसमें, कॉम्पटन इफेक्ट में, कॉम्पटन इफेक्ट में फॉर्मूला हम यूज़ किए थे, ठीक है। तो E बाई सी हो गया, E की जगह पे कितना ले लेंगे आप, एच न्यू बाई सी कर दीजिए, ठीक है ना। और लिख लीजिएगा वेयर C इज इक्वल टू सी क्या होता है बाबू, हाँ, स्पीड ऑफ लाइट, सी क्या होता बताइए, स्पीड ऑफ लाइट, ओके, आए कह सकते हैं, पर क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है, स्पीड लिखिए, वेलोसिटी लिखिए, देखिए कॉम्प्लिकेशन, अब वेलोसिटी है तो डायरेक्शन लगाना पड़ेगा, वेक्टर लगाना पड़ेगा, उससे अच्छा है स्पीड लिखिए, क्या मतलब है उससे, अननेसेसरी बवाल नहीं पालना चाहिए जिंदगी में, है कि नहीं जी, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, फिर आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, फिर लिखिए पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, लिखिए रेस्ट मास ऑफ फोटोन, रेस्ट मास ऑफ फोटोन, रेस्ट मास ऑफ फोटोन, रेस्ट मास ऑफ फोटोन और वेव पैकेट, रेस्ट मास ऑफ फोटोन और वेव पैकेट, रेस्ट मास ऑफ फोटोन और वेव पैकेट किसके इक्वल आ जाएगा ये बताइए, जीरो। फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है बेटा, जीरो, याद कर लीजिएगा इस चीज को, फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है, जीरो, ठीक है, फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है, जीरो, ठीक है ना। और रेस्ट मास जीरो होने के बावजूद इसे मोमेंटम होता है, देखिए आप, फोटोन का रेस्ट मास जीरो होता है पर इसके बावजूद इसे मोमेंटम होता है, ये खाते थे फोटोन की, इससे पहले आप यदि क्लासिकल पार्टिकल को पढ़ते थे तो क्लासिकल पार्टिकल में बिना मास के मोमेंटम नहीं होगा, होगा क्या, नहीं होगा। P इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है,
एमवी के, कभी सोचिएगा कि फोटोन में ऐसा क्या खासियत होता है कि मास के बिना उसका मोमेंटम है। क्योंकि देखिए मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, मास पे, ठीक है ना। पर फोटोन का रेस्ट मास क्या है, जीरो है, बट स्टिल उसके पास क्या है, मोमेंटम है। तो कभी अगर मौका मिले ज़िंदगी में तो सोचिएगा कि ऐसा क्या वजह है, क्या रीज़न है। या कोई सी किताब को आप पढ़ेंगे तो आपको रीज़न समझ में आएगा क्या वजह होती है इसकी, ठीक है ना। आप बहुत डिटेल हम एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहे हैं, पर आप सोचिएगा, देखिएगा क्या वजह होती है, ठीक है ना। सोचिएगा, ठीक है, आप सोच करके हमको बताइएगा। आप कहाँ हमको बताएंगे आप, चलिए खैर, ठीक है, आगे लिखिए, आगे लिखिए, फिर लिखिए, लिखिए, चलिए। इसी के साथ ये टॉपिक क्या हो गया बेटा, ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, कुछ बचा नहीं है इसमें, अब ज़्यादा नहीं लिखाएंगे, कोई मतलब नहीं है, पूछा भी नहीं जाता है ये, पहले कभी पूछा गया था, वेब पैकेट अपने कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव तो नेक्स्ट में बता देंगे, एंगुलर मोमेंटम बता देते हैं। हाँ चल, चलिए लिख, हेडिंग डाल दीजिए, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंगुलर मोमेंटम है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन। बड़ी सी हेडिंग है और इम्पोर्टेंट भी है, हालांकि पूछा तो वही नंबर में जाएगा, पर इम्पोर्टेंट है, ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन, ठीक है ना। और इसमें जो टॉपिक मेनली हम लोग को पढ़ना है उसको हम लोग कहते हैं बोर मैग्नेट्रॉन। क्या कहते हैं बाबू, बोर मैग्नेट्रॉन। बोर मैग्नेट्रॉन एक कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। कंपटीशन में डायरेक्ट पूछ देता है, आपके DDU एग्जाम में डायरेक्ट पूछा है कि बोर मैग्नेट्रॉन की क्या वैल्यू, दो नंबर पूछा है कि बोर मैग्नेट्रॉन की क्या वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो ये क्लास में भी डिराइव करा देंगे हम, आप याद कर लीजिएगा, दो नंबर में सवाल आया आपका, ठीक है ना। ये लंबी सी हेडिंग है, लिख डालिए इसको, ठीक है ना, बोर मैग्नेट्रॉन, ठीक है। लिखिए इसमें, लिखिए, लिखिए इसमें, लिखिए, कंसीडर द ऑर्बिटल मोशन ऑफ, कंसीडर द ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंसीडर द ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंसीडर द ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, कंसीडर द ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस इन एटम, अराउंड द न्यूक्लियस इन एटम, इन एटम। देन बाई पॉस्टुलेट्स ऑफ, देन बाई पॉस्टुलेट्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल, देन बाई पॉस्टुलेट्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल, बोर एटॉमिक मॉडल वी हैव ठीक है ना, वी हैव क्या मिलता है बेटा बताओ, बोर एटॉमिक मॉडल से क्या मिलता है हमको, मिलता है एंगुलर मोमेंटम। अगर आपको बोर एटॉमिक मॉडल याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो और अच्छी बात है, बस इसको याद कर लीजिएगा, एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन, ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन, ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन। वेक्टर एल इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है बेटा, आर क्रॉस पी के, किसके इक्वल होता है, आर क्रॉस पी के। ये तो बेसिक फॉर्मूला है हमारा जो हम लोग डिराइव करते हैं, ठीक है ना, आर क्रॉस पी के, ठीक है, आर क्रॉस पी हो गया आपका। और आर क्रॉस पी को आप और क्या लिख सकते हैं बताइए, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर क्रॉस एम इन टू वी के, ऐसे लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यम को अगर हम बाहर ले लें तो यम आर क्रॉस वी के लिख सकते हैं, ठीक है ना। सो दिस इम्प्लाइज दैट
वेक्टर एल इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा हमारा यम आर क्रॉस वी, ठीक है ना। और बोर एटॉमिक मॉडल से एम इंटू आर क्रॉस वी या एंगुलर मोमेंटम जो इलेक्ट्रॉन का होता है वो किसका मल्टीपल होता है, किसका मल्टीपल होता है, वो मल्टीपल होता है हमारा एच अपॉन टू पाई का। किसका मल्टीपल होता है बेटा, एच अपॉन टू पाई का। और आगे एक कॉन्स्टेंट हम क्या लगा देते हैं बताइए, एल, जहाँ यल की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वैरी करती है, 0, 1, 2, 3। और यल होता क्या है, यल को हम कौन सा क्वांटम नंबर कहते हैं, एक यन होता है, एक यल होता है, एक यम होता है, यल को कौन सा क्वांटम नंबर कहते हैं, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर कहते हैं। या यल से किसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, और भाई चार तरह क्वांटम नंबर होते हैं ना आपके, एक यन होता है, एक यल होता है, एक एम होता है, एक एस होता है, ठीक है ना। यन क्या बताता है, यन को क्या कहते हैं हम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यल को हम क्या कहते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं, ऑर्बिटल जिस संख्या बीच से ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन से मिलती है। यम को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये ऑर्बिटल की संख्या बताता है, ये ऑर्बिटल के बारे में बताता है कौन सा ऑर्बिटल होगा। जैसे यल बराबर 0 होगा आपका तो आप कहते हैं एस ऑर्बिटल होगा, यल बराबर 1 होगा तो आप कहते हैं पी ऑर्बिटल होगा, ये सब पढ़ा होगा भाई आपने, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करें। यल बराबर 2 होगा तो आप कहते हैं डी ऑर्बिटल होगा, ठीक है। यल बराबर 3 होगा तो आप क्या कहते हैं, एफ ऑर्बिटल होगा, यही तो होता है ना भैया। और यम क्या बताता है, ऑर्बिटल की संख्या बताता है, और एस क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ओरिएंटेशन बताता है। बात समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो यल को हम क्या कहते हैं बेटा, एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं या ऑर्बिटल क्वांटम नंबर कहते हैं। और बोर एटॉमिक मॉडल से एल इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है हमारा, यल इंटू एच अपॉन, एल इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, यल इंटू एच अपॉन टू पाई। बोर एटॉमिक मॉडल क्या कहता है, बोर एटॉमिक मॉडल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन के आसपास डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं हमारे, किन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स पाया जाएगा, तो उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू एच अपॉन टू पाई का क्या होगी, मल्टीपल होगी, है ना। एच अपॉन टू पाई का क्या होगी, मल्टीपल होगी। अगर मल्टीपल नहीं है, एल की वैल्यू एल इंटू एच अपॉन टू पाई का मल्टीपल नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में एग्जिस्ट नहीं करेगा, यही होता है ना। छाप दीजिए, लिखिए वेयर, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। ये सब पढ़े होंगे भाई आप लोग, कुछ कुछ तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, और कुछ कुछ क्या अभी तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम पढ़ रहे होंगे आप लोग, ये सब नाम तो सुना होगा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा पेपर है, पता है ना एटॉमिक स्पेक्ट्रा। और एक कौन सा पेपर है, मॉलिकुलर स्पेक्ट्रा है कि नहीं, है ना भैया, बोलो भैया, लिखे वेयर। ये सब बहुत मुश्किल होता है भैया, याद करना पड़ता है, बहुत भयंकर पेपर है चौथा वाला, इसलिए देखिए उसको नहीं पढ़ाते हैं, कभी नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि हमको आता ही नहीं है वो। लिखे वेयर, हमको एकदम नहीं आता एटॉमिक स्पेक्ट्रा, हम तो आप पूछ देंगे तो हम गायब हो जाएंगे। वेयर एल इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और ये हम कैमरे के सामने कह रहे हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या कहते हैं बेटा इसको, अरे ऑर्बिटल क्वांटम नंबर ना, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, छाप दीजिए छाप दीजिए छाप दीजिए। इसी को एजीमुथल क्वांटम नंबर भी कहते हैं, अगर आप लोग नाम जानते हो तो। यन को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। यम को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं, ठीक है ना। यस को स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं, ठीक है। चलिए, यन एल एम एस चारों की वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन के, दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम नहीं हो सकती है, कौन सा प्रिंसिपल है ये। चलिए, और इलेक्ट्रॉन्स को कैसे भरते हैं, किस प्रिंसिपल से, किस नियम से भरते हैं इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल में, ले हम उन शुरू से भरते हैं, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। तो एल इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, एम आर क्रॉस वी, एल इंटू एच अपॉन टू पाई। चलिए जल्दी करिए, 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 जल्दी करिए। देखिए, दिस इंप्लाइज दैट ऑर्बिटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अगर इसका हम मॉड ले लें, मॉड का मतलब क्या, सिर्फ मैग्नीट्यूड लें, तो ये कितना हो जाएगा, एल इज इक्वल टू ये हो जाएगा एम आर वी के, है ना भाई, वेक्टर सर हटा दिया आपने, और यहाँ कितना जाएगा, यल अपॉन
जल इंटू एच अपॉन टू पाई, और लिख लीजिएगा वेयर एच इज इक्वल टू एच क्या होता बेटा, प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है ना। और अगर आप लोग को याद हो तो हमने एक और चीज़ आपको बताई थी, जब आप इसी को एटॉमिक स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो एच अपॉन टू पाई को आप किससे रिप्लेस कर देंगे, एच क्रॉस से, हमने बताया था आपको। देखिए ये बार आ रहा है बार बार, एटॉमिक स्पेक्ट्रम आप पढ़ेंगे तो वहाँ एच क्रॉस ही आएगा, ठीक है ना। ये एच अपॉन टू पाई में लिख के चल रहे हैं हम, एच क्रॉस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हैं एच क्रॉस के वैल्यू किसके इक्वल होती है, एच अपॉन टू पाई के, ठीक है भैया। चल तो एच क्या हो गया बाबू, एच को क्या कहते हैं बेटा, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए, जल्दी कर जल्दी कर, लिखिए हियर, मिटा दें मिटा दें, चलिए आइए मिटाते हैं। हियर m इज इक्वल टू, यम क्या होता है बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। v क्या होता है बेटा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। r क्या होता है बेटा, रेडियस ऑफ, किसकी रेडियस होती है बताइए, ऑर्बिट, किसकी रेडियस होती है, ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है आपका, ठीक है। चलिए फिर देखिए, कहीं एक फिगर ही बना सकते हैं आप, इसको यन कर दीजिएगा, इसके आसपास जो इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो रहा है, घूम रहा है इलेक्ट्रॉन जो है, क्या हो रहा है आपका, घूम रहा है इलेक्ट्रॉन आपका, घूम रहा है। चलिए बना दीजिए वी, ठीक है ना। ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बेटा क्या है, स्मॉल आर है, छाप दीजिए छाप दीजिए। फिगर का नाम दीजिएगा, फिगर का नाम क्या दे देंगे आप बताइए, फिगर का नाम दीजिएगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझाना जी सब। चलिए फिर आगे लिखिए, लिखिए देखिए, इफ लिखिए बिटा दे इसको, चल आइए। अच्छा ये बताइए आप, ये बताइए आप, मान लीजिए, मान लीजिए मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है अगर, ठीक है ना, कोई इलेक्ट्रॉन या कोई चार्ज पार्टिकल है, मान लीजिए कोई कोई चार्ज पार्टिकल अगर वो किसी सर्कुलर लूप में ऐसे घूम रहा है, तो जाहिर सी बात है आपको पता है कि चार्ज पार्टिकल जब मोशन में होता है, देखिए एक चीज समझिए पहले, जब चार्ज पार्टिकल बेटा हमारा रेस्ट पर होता है, किस पर होता है, रेस्ट पर, तो कौन सी फील्ड काम करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड काम करती है, ठीक है ना। रेस्ट पर होता है तो कौन सी फील्ड काम करती है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या आप लोग को पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड काम करती है, या सिर्फ और सिर्फ चार्ज के पास क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। पर जब चार्ज हमारा किस में होता है, मोशन में होता है, तो कौन सी फील्ड काम करती है, इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक दोनों काम करती है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों काम करती है, ठीक है ना। तो आप समझिए पहले, मोशन में है कोई चार्ज पार्टिकल है, मोशन में है वो, एक सर्कुलर लूप में घूम रहा है, ठीक है ना। तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट किसके इक्वल होता है, आपको याद है क्या, उसका मैग्नेटिक मोमेंट किसके इक्वल होता है, याद है आपको, किसके इक्वल होता है बताइए, क्यू इंटू टू एल, वो तो चलिए खैर मैग्नेट था, रेस्ट पर था वो, जब चार्ज पार्टिकल, क्यू इंटू टू एल नहीं होगा, क्यू इंटू टू एल क्यों नहीं होगा, वो जो मैग्नेटिक मोमेंट हम लिखे थे वो किसके लिखे थे, मैग्नेट के लिए, बार मैग्नेट के लिए लिखे थे हम लोग, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए बार मैग्नेट की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम एक चार्ज पार्टिकल की बात कर रहे हैं जो सर्कुलर लूप में क्या कर रहा है, घूम रहा है, उसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, उसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसका, अगर आप लोग को पता नहीं याद है कि नहीं, वो होता है यन आई इंटू ए के,
अगर आप लोगों को फॉर्मूला था बहुत याद हो तो, एक चक्कर के लिए n की वैल्यू 1 हो जाती है, I क्या होता है आपका करंट होता है, और A क्या होता है एरिया होता है। तो अगर हम एक चक्कर की बात करें तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है म्यू कितना हो जाएगा आपका, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू कितना हो जाएगा आपका, या म्यू वेल कर लेते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू वेल कितना हो जाएगा आपका I इंटू A के। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू वेल किसके इक्वल हो जाएगा I इंटू A के। बात समझ में आ रहा है? चलिए पैराग्राफ चेंज करके लिखिए 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 जल्दी लिखिए जल्दी लिखिए लिखिए। इफ ये फॉर्मूला याद था आप लोगों की? नहीं याद होगा, क्या था? चलिए वेरी गुड, लिखिए लिखिए। इफ म्यू एल, जैसे जैसे आप लोग बड़े होते जा रहे हैं बेसिक चीज़ें भूलते जा रहे हैं, लिखिए हो जाता है। इफ म्यू एल बी द मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन देन म्यूएल इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा बताइए? आई इंटू ए के। म्यूएल किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? आई इंटू ए के, लिख डाले। म्यूएल किसके इक्वल हो जाएगा आपका? आई इंटू ए के, ठीक है ना। अब देखिए आई की जगह पर क्या हम क्यू बाई टी लिख सकते हैं? क्या बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यू इक्वल टू आई टी होता है, पढ़े हैं बचपन में आप। और ए की जगह पे क्या हम पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं? क्या? जी हाँ लिख सकते हैं, पर क्यू बाई टी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें क्या? अच्छा चलिए अभी लिखिए पहले आगे, फिर अभी आगे बताते हैं। आई बराबर कितना हो गया? क्यू बाई टी के, और यहाँ कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखिए आप एक चीज और समझ रहे हैं, टी क्या होगा आपका? अगर आप एक चक्कर की बात करें तो टी बेसिकली किसके इक्वल हो जाएगा? कैपिटल टी के। कैपिटल टी क्या? टाइम पीरियड है भाई, एक चक्कर लगाने में जो समय हुआ वही क्या था? हमारा टी है। तो टी क्या? हमारा टाइम पीरियड है। तो स्मॉल टी को हम कैपिटल टी से आगे क्या कर देंगे? अभी रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना। और आर स्क्वायर क्या है? ऑर्बिट है उसकी, क्या है? रेडियस है। आर क्या है उसकी? रेडियस है। और क्यू जो है चार्ज के इलेक्ट्रॉन है, तो क्यू को अभी हम ई से क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए। लिखिए इसमें लिखिए लिखिए लिखिए। फॉर वन कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां पे आपने म्यूएल इज इक्वल टू आई ए क्यू बाई टी पाई आर स्क्वायर लिखा है ना, वहां पे जगह होगा तो लिख लीजिएगा वेयर आई, हियर आई इज इक्वल टू करेंट कर लीजिएगा, करेंट इन द लूप कर दीजिएगा, करेंट इन द लूप कर दीजिएगा, ठीक है। चलो अब देखें क्या लिखा आपने, फॉर वन कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वी कैन राइट एक कंप्लीट रिवोल्यूशन इलेक्ट्रॉन के लिए। देखिए तो जनरल फॉर्मूला हो गया, अब इसी को अगर इलेक्ट्रॉन के लिखना हो तो बेटा क्या कर देंगे हम बताइए? म्यूएल तो म्यूएल ही रहेगा, क्यू की जगह पर हम क्या रख देंगे? ई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। टी की जगह पर हम क्या कर देंगे? कैपिटल टी, क्योंकि पूरा चक्कर कंप्लीट कर रहा है वो, है ना। और यहां क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? छापी छापी जल्दी छापी जल्दी छापी। लिखे हियर ई इज इक्वल टू, हियर ई इज इक्वल टू चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, हियर ई इज इक्वल टू चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड कैपिटल टी इज इक्वल टू टाइम पीरियड, एंड कैपिटल टी इज इक्वल टू टाइम पीरियड, कैपिटल टी इज इक्वल टू टाइम पीरियड, ठीक है ना। चलिए अच्छा एक चीज और पहले देखिए, जहां पर आपने एच अप एल इंटू एच अपॉन टू पाई लिखा था ना एक्सप्रेशन को, उसको इक्वेशन वन बना दीजिएगा, इसको इक्वेशन टू बना दीजिए। एल इंटू एच अपॉन टू पाई लिखा था ना, उसको इक्वेशन वन बना दीजिएगा, इसको इक्वेशन टू बना दीजिए। चलिए ठीक है बेटा, आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखिए आगे जल्दी लिखिए जल्दी लिखिए लिखिए। Since the time period T किसके इक्वल होता बताइए? ये होता हमारा
सरकमफेरेंस अपॉन किसके बताइए, वेलोसिटी के, लिख सकते हैं क्या ऐसे, कहाँ से आता है ये, अरे भाई दूरी बटे चाल, तो एक चक्कर लगाने में कितना दूरी तय हो रहा है, सरकमफेरेंस, और चाल हमारी क्या है, वी है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से कैपिटल टी बराबर किसके इक्वल आ गया बेटा, ये आ गया हमारा 2πr अपॉन किसके बताइए, वी के, लिख सकते हैं क्या ऐसे, जी हाँ लिख सकते हैं। चलिए तो यहां से दिस इंप्लाइज फ्रॉम इक्वेशन टू से क्या मिल जाएगा बताइए हमको, म्यूवेल किसके इक्वल आ जाएगा, म्यूवेल किसके इक्वल आ जाएगा बताइए, ई पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, 2πr इंटू किसके बताइए, वी के, ठीक है। चलिए तो r से r बेटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना, और कितना मिला हमको बताइए, अब पाई से पाई भी गया क्या, पाई से पाई भी गया, तो क्या मिला हमको बताइए, म्यूएल बराबर किसके इक्वल आ गया, म्यूएल बराबर हमारा आ गया ई वी आर बाई किसके बताइए, छाप दीजिए, इसको इक्वेशन कितना बना देंगे बेटा बताओ, 3 कितना बना देंगे, 3। बेटा दे भैया आसान है, बहुत आसान है। अब लिखिए फ्रॉम इक्वेशन वन वी गेट इक्वेशन वन से क्या मिलेगा बताइए, एम वी आर किसके इक्वल होता है, यल इंटू एच अपॉन 2πk, एम वी आर किसके इक्वल हो गया, यल इंटू एच अपॉन 2πk, तो यहां से बेटा वी आर किसके इक्वल हो जाएगा बताइए, एल बाई एम एच अपॉन 2πk, ठीक है ना। तो चलिए यहां से म्यूएल किसके इक्वल हो गया बताइए, म्यूएल किसके इक्वल हो गया बताइए, ई बाई टू एल बाई एम एच अपॉन 2πk, ठीक है ना, यहाँ लिख दिया यूजिंग इक्वेशन 3। लिख सकते हैं ऐसे, देख लीजिए भाई, लिख सकते हैं ना भैया, चलिए बढ़ते रहिए, चल, और इसको थोड़ा सा हम और मॉडिफाई कर देते हैं अपने हिसाब से। चल हाँ, तो इसको और मॉडिफाई कर देते हैं, क्या मिलेगा हमको, हमको मिलेगा म्यूएल इज इक्वल टू किसके इक्वल मिलेगा, म्यूएल इज इक्वल टू मिलेगा ई अपॉन 2m एल एच अपॉन 2π, छाप दीजिए इसको डब्बे में कर दीजिए, और एक लाइन लिखिए इसको इक्वेशन कितना बना देंगे बेटा, 4, चलिए 4 बना दीजिए, और लिखिए दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन, दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन, ठीक है भैया। चलिए ठीक है, ड्यू टू ऑर्बिटल। अब थोड़ा सा इसको हम और मॉडिफाई कर देते हैं, दिस फर्दर इम्प्लाइज दैट, थोड़ा सा इसको हम और मॉडिफाई करते हैं, देखिए कैसे, म्यू एल किसके इक्वल आ जाएगा आपका, म्यू एल आपका आ जाएगा ई एच अपॉन ये आ जाएगा 4πm के, किसके इक्वल आ जाएगा, ई एच अपॉन 4πm के
और इनटू किसकी हो गया बताइए, एल के। ऐसे लिख सकते हैं क्या, देख लीजिए। और यहाँ पर म्यू एल इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, ई एच अपॉन फोर पाई एम को हम नाम देते हैं क्या, म्यू बी। क्या नाम देते हैं, म्यू बी। और ये किस मल्टीप्लाइड बाय किसके बताइए, एल के, ठीक है ना। इसको डब्बे में कर दीजिए, इसको डब्बे में कर दीजिए, इसको डब्बे में कर दीजिए। हो गया भैया। और लिखे हियर, हियर म्यू बी इज इक्वल टू, म्यू बी को हम क्या कहते हैं, म्यू बी को हम कहते हैं, म्यू बी देखिए ई बी कांस्टेंट है, एच बी कांस्टेंट है, फोर पाई एम भी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना भाई। ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एच प्लैंक कांस्टेंट है, एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो म्यू बी को हम कहते हैं, ये कांस्टेंट होता है जिसको हम कहते हैं बोर मैग्नेट्रॉन। क्या कहते हैं बाबू, बोर मैग्नेट्रॉन। और इस बोर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू होती है, एकदम याद कर लीजिएगा, 9.27 इनटू 10 टू द पावर माइनस 24। कितनी होती है वैल्यू, 9.27 की 4, 9.27 इनटू 10 टू द पावर माइनस 24, ठीक है, 9.27 इनटू माइनस 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। छाप दीजिए इसको भी डब्बे में कर दीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, इसको स्टार कर लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछा आता है बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है भैया, अच्छा नेक्स्ट एक छोटी सी रिंग डाल दीजिए, 5 मिनट लगेगा, करा देते हैं। नेक्स्ट एक छोटी सी रिंग डाल दीजिए, इलेक्ट्रॉन स्पिन, इलेक्ट्रॉन स्पिन, इलेक्ट्रॉन स्पिन, एक छोटी सी रिंग डाल दीजिए, इलेक्ट्रॉन स्पिन। इलेक्ट्रॉन स्पिन यहाँ समझ में नहीं, कोई दिक्कत आया था, आसान था, चलिए नेक्स्ट रिंग डाल दीजिए, इलेक्ट्रॉन स्पिन, बहुत आसान होता है यार ये सब। वैल्यू बेटा पर थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी आपको, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी जाती है कि बोर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, 9.27 टू द पावर माइनस 24, ठीक है भैया। चलो ठीक है, चलिए लिखिए इसमें, देखिए अकॉर्डिंग टू केपलर्स वही वाले फर्स्ट ईयर वाले, अकॉर्डिंग टू केपलर्स अर्थ या प्लैनेट करिए, प्लैनेट पजेसेस टू टाइप्स ऑफ मोशन दैट इज ऑर्बिटल मोशन एंड स्पिन मोशन, दैट इज ऑर्बिटल मोशन एंड स्पिन मोशन, ठीक है। चलिए ऑर्बिटल मोशन एंड स्पिन मोशन फिर देखिए, इन सिमिलर वे इलेक्ट्रॉन पजेसेस टू टाइप्स ऑफ मोशन दैट इज ऑर्बिटल मोशन एंड स्पिन मोशन, दैट इज ऑर्बिटल मोशन एंड स्पिन मोशन, ठीक है ना। चल ऑर्बिटल मोशन इज अराउंड द न्यूक्लियस, ये सब आप पहले से जानते हैं, बस हम लिखा दे रहे हैं। ऑर्बिटल मोशन इज अराउंड द न्यूक्लियस एंड स्पिन मोशन इज अबाउट इट्स ओन एक्सिस ऑफ रोटेशन। स्पिन मोशन इज अबाउट इट्स ओन एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। फिर लिखिए द स्पिन मोशन इज
कैरेक्टराइज्ड बाय द स्पिन मोशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ क्वांटम नंबर known as spin quantum number and it is noted by small s. ठीक है, फिर लिखिए. then angular momentum due to spin motion. ठीक है ना, स्पिन मोशन जो है एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा बताइए. वेक्टर s इज इक्वल टू s इंटू एच अपॉन 2π. ठीक है ना, याद हो अगर आपको तो ऑर्बिटल मोशन की वजह से कैपिटल L कितना होता था, L इंटू एच अपॉन 2π होता था ना बाबू. उसी तरह देखिए, कैपिटल S इज इक्वल टू s इंटू एच अपॉन 2π. ठीक है ना, चलिए लिखे वेयर स्मॉल s इज इक्वल टू क्या है. स्मॉल s हमारा है बेटा स्पिन क्वांटम नंबर. स्मॉल s क्या है बाबू, स्पिन क्वांटम नंबर. स्मॉल s क्या है बेटा, स्पिन क्वांटम नंबर. ठीक है ना, फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए. मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू छूट गया तुम्हारा. मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन मोशन. तो देखिए, ऑर्बिटल मोशन के लिए कितना लिखा आपने, म्यू एल इज इक्वल टू ई एच अपॉन 4πm इंटू एल. ठीक है ना, स्पिन मोशन की वजह से कितना हो जाएगा आपका, एल को किससे रिप्लेस कर देंगे हम, एस से. ठीक है ना, बाकी देखिए ध्यान में रखो, बाकी सारे टर्म्स क्या है आपके, कॉन्स्टेंट है तो उनको एज इट इज कर दीजिए. ठीक है ना, और एल किससे रिप्लेस हो जाएगा बेटा, एस से. ठीक है ना, पर एक चीज का ध्यान देना होता है क्या, क्योंकि स्पिन की दो ओरिएंटेशन पॉसिबल होती है, क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज. तो यहां पर हम 2 से क्या कर देंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है ना, तो बेसिकली ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, म्यू एस की. म्यू एस की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी बताइए, 2 टाइम्स म्यू बी इंटू एस. छाप दीजिए. चलिए ठीक है बाबू, चलिए इसी के साथ मान के चलिए आपके चैप्टर क्या हो गया, आपका खत्म हो गया. 2-3% आपकी चीजें और बची हुई हैं, उसको हम क्या कर देंगे, खत्म करा देंगे. ठीक है ना, आज की चीजें याद ही करने वाली हैं, है ना. जैसे बोर मैट्रॉन की वैल्यू आपको याद कर लेनी है पूरी, इसमें आपको कोई डाउट नहीं रखना है. ठीक है ना, एकदम याद कर लीजिएगा उसको. ठीक है, चलिए मिटा देते हैं इसको. तो आज मान के चलिए आपका चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है. कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव थोड़ा सा आप लोग को बताना है तो हम बता देंगे, उसके साथ चैप्टर खत्म हो जाएगा. और फिर दिन कुछ अनसॉल्व का भी कुछ क्वेश्चन करवा देंगे, 1-2 दिन अनसॉल्व वाला भी करा देंगे, ताकि कुछ बाकी ना रहे चैप्टर में. चले आज ज्यादा लिखने लग रहा आप लोग, ज्यादा हो गया कि कितना पेज हुआ. दो ही पेज हुआ, अरे हमको लग रहा है हम ज्यादा पढ़ा दिए.